सिक्स बटालियन एनडीआरएफ की एक टीम, 6D जो कि श्री बीबीएन प्रसन्ना कुमार कमांडेंट 06 बटालियन एनडीआरएफ की एक टीम पहले से यहाँ डिप्लॉयमेंट थी प्री मानसून के लिए। जैसे ही हमें सिविल प्रशासन के द्वारा इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हमारी टीम तुरंत निकल जाती है, और जैसे ही हम इंसिडेंट साइट पर पहुँचते हैं तो हम रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि तीन मंजिला बिल्डिंग कलप्स हो गई है और उसमें 2 से 3 विक्टिम दबने की संभावना है। तो हमारी टीम कंटिन्यू रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है, जिसमें अभी कंटिन्यू ऑपरेशन चल रहा है। कुछ 2-3 लोगों को अंदर फंसे की खबर हो रही है, क्या कुछ मामला? अभी टीम ऑप्स कंटिन्यू चल रहा है, जैसे भी कोई और इन्फॉर्मेशन मिलती है आगे बताएं। 2 लड़की है वो अंदर फंसे हुए हैं, अभी वो पुराना मकान है इसके लिए गिर गया था, अभी आपके दुआ कर दे इसकी कृपा से आपको ये कुछ हो जाएगा सर। उनकी आवाज़ भी आ रही है ऐसा ये लोग बता कर रहे हैं कि आवाज़ आ रही है बोल रहे, सब लोग बोल रहे हैं कि आवाज़ आ रही है, मोबाइल भी अंदर था आवाज़ जा रहा है, पर लेकिन कोई उठा नहीं रहा है अंदर, ऐसा मेरे को लगता है। अच्छा होगा द्वार का दिश की कृपा से आपको। मेरी बा है और मेरी 2 बेटियां है अंदर दबी हुई, अभी वो काम चल रहा है ऊपर से, 6 बजे वो उछिंदाना गिरा ऊपर से, ये धड़ांग से आवाज आया ऊपर से, हम ऊपर ही थे उधर। ये बड़ी बेटी का पायल है, छोटी बेटी का प्रीति है, मेरी बा का नाम केसर बहन है। अभी क्या हो, कोई बात हुई उनसे? बात नहीं हुई अभी, वो बोल रहे हैं आवाज़ आ रहा है थोड़ा थोड़ा, वो निकाल रहे हैं अंदर से, इंडिया पर काम चालू है।